वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू व्लॉग। ट्रिप टू हरियाणा, हरियाणा जा रहे हैं और मैं बहुत लेट हो गया हूँ। नीचे लोग वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। रिएक्शन देखते हैं, मेरी रिएक्शन। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये लोग इंतज़ार में, ये यहाँ पे सो रहा है, ये उठ गया है। मैं यहाँ पे दो घंटे से वेट कर रहा हूँ, सन्नी भी आ गया। अच्छा, खाली पेट कुछ नहीं खा रखा है, लेग वर्कआउट कराया सुबह का। अच्छा, ये दो घंटे वेट कर रहा है, तो तुम तो फिर चार घंटे वेट कर रहे होगे। ढाई घंटे हो गए इसके। एक्चुअली ये बोलने की बात है, मैं भी अभी आया हूँ। भैया आप व्लॉगिंग तो कर रहे हो वो ठीक है, पर आप कर क्या रहे थे इतनी देर से? यार मैं ना बहुत अच्छा काम कर रहा था आज, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बहुत अच्छा काम है वो। सो गाइज वी आर रेडी और ढाई बज रहे हैं। 12 बजे का था कुछ सीन, मैंने सेल्फी लेते लेते टाइम लगा दिया। और ये जो छुप रहा है इसको भी देख लो, यहाँ पे क्या कहना चाहते हो आप? मैं कुछ नहीं कह रहा। हवा तो आएगी पर धूल भी अंदर आएगी वही। सो हम यूपी में, यूपी में, हम यूपी में। और यहाँ बहुत भयंकर तूफान चल रहा है। तूफान से पीछे लेना ही पड़ेगा। अबे हमारी बैठक भी। और गाइस यहाँ हमारी गाड़ी अटक चुकी है क्योंकि रोड में चल रहा था कंस्ट्रक्शन। चलो निकलेगी, संजय भाई ने बोला गाड़ी निकलेगी। पीछे वाला अटक गया। क्या निकल गई गाड़ी? ओ माय गॉड भाई, रोलर कोस्टर रही। यहाँ भी गड्ढा है, उधर से आ रहे हो? उधर से जाएंगे ना। सो रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, पर ये बीच में तो ये अटक गया, हम कहाँ जाएं? और हमारे संजय भाई फ्लेक्स करते हुए यहाँ बिल्कुल। सो इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें रास्ता मिला नहीं। जो सामने दिख रहा वहीं से चलते। अरे ठीक है, समझ गया। ओए गड्ढे में फंस गई हमारी गाड़ी। भैया हमें भगाते जा रहे हैं, मेरे पूरे जॉर्डन खराब कर दिए भैया। अरे यार चलो टीम के लिए सब कुछ। फाइनली हरियाणा में है और 1:12 हो रहे हैं और ये देखो ये सोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं पर सो नहीं रहे। ये हमारे डायरेक्टर साहब। सो कल देखते हैं कैसा जाएगा कंपटीशन। जो खेल रहे हैं वो नीचे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं वो ऊपर है। ठीक है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है खेलने वालों के साथ। अगर एक सत्र क्या रहेगा वो बॉइस में? दो सौ कर दे। हाँ 200 कर दे, जैसे गढ़वाल पावर लिफ्टिंग में करा था वैसे ही रख। 200 करो। सो गाइस भैया का फ़ोन हो चुका था ऑफ और बहुत टाइम हो चुका है, 2 बजने के करीब है यहाँ पे। और
बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा रखा है जिम वालों ने, विक्रम फोगाट सर ने हमारे लिए यहाँ पे। सो अब सोने का टाइम हो गया, स्टे ट्यून, कल सुबह 8 बजे से कॉम्पिटिशन स्टार्ट है एंड देखते हैं क्या होता है।